तिजारा विधानसभा से भिवाड़ी सभापति संदीप दायमा ने गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान संदीप दायमा को गांव की महिलाओं ने दूध पिलाकर आशीर्वाद देकर व पूरे गांव की वोट संदीप दायमा के पक्ष में देने का आश्वासन दिया। इस दौरान गांव के लोगों द्वारा संदीप दायमा की रैली निकाली और संदीप दायमा को समर्थन देने की बात कही। संदीप दायमा ने दर्जनों गांव में जनसंपर्क करने के दौरान गांव की जनता से जगह जगह पर संदीप दायमा का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। जो पार्टी ने जब भी मंत्री बनाया, प्रदेश मंत्री बनाया, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया, उसको इससे ज्यादा तो क्या देती पार्टी उसको। और उसके बाद इस तरह की हरकत कर हमारा भाईचारा है आपस में उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। मैं तो आप लोगों के बीच में 9 साल से यही हूं, सब जानते हो, आपके दुख दर्द में हमेशा साथ रहा हूं और आगे भी साथ रहूंगा आप लोगों के। और जब हमारे भाई साहब ने बता दी कि भाई हम सदा वोट देता है आपके, हमने दे दू तो आपको एहसान रहेगा, और इस एहसान को ब्याज से भी धोखा देना हमको। ऐसी कोई बात आपस में है नहीं, सभी गोटड़ा से लेकर और आज खिजूरी में हम दोबारा से स्टार्ट किया है, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। और हनुमान नेता जी ने बताया तो दूजर की गाय हीर की गाय बैठ किसी बैठे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बैठ ही जाएगी। आप लोग मेरे बुला के हमें इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद पूरे गांव का। और भाई हम तो पड़ोसी भाइयों आपका हैराना के वोट कितनी दीजिए तो कितनी मत दीजिए, जो भी हमारे साथ चल रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को राम राम। भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, जो बाद में बड़े घोषित उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, सपोर्ट देकर, मत देकर और संभवतः धन देकर, वोट नोट सपोर्ट यह देकर के उनको जितवाएं जहाँ जैसी आवश्यकता हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये बात बिल्कुल निश्चित है। अब तक जो धुंध था वो धुंध अब छट गया, बागी बीजेपी में भी रहे, बागी कांग्रेस में भी रहे, पर कांग्रेस के 4 कार्यालयों को तोड़ा गया, वहाँ टीवी, वहाँ फ्रिज, वहाँ बोर्ड, वहाँ कूलर फेंके गए। ये दुर्दशा और दुर्गति बीजेपी में नहीं हुई। और लगभग भारतीय जनता पार्टी का माहौल केंद्रीय नेतृत्व का और प्लस माननीय वसुंधरा जी का मिलाकर संपूर्ण प्रदेश नेतृत्व जो चुनाव समिति थी, माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे मेघवाल साहब सहित सब लोगों ने पूरी शक्ति लगाई है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का माहौल। और आज तो एक समाचार पत्र में उसका नाम ले रहा हूँ, उसमें हाथ का पंजा, उसका रूप बिगड़ते घोषणा पत्र कांग्रेस बीजेपी का जारी हुआ, उसके अनुरूप नकल करते हुए कांग्रेस का जारी हुआ है, तो हाथ का पंजा था, पंजे को उन्होंने कार्टूनिस्ट ने बिगाड़ते कमल कर दिया कि आज के आपके एक समाचार पत्र में। तो अब भाजपा का माहौल, भारतीय जनता पार्टी का माहौल राष्ट्रवाद दृष्टिकोण से, राष्ट्रवादी और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को लेकर और विकास को लेकर, विकास जितना हुआ है, मैं तो लगातार है मेरे हूँ 3 बार विधिवत, 1 बार चार पांच रोड सरा, जितना विकास इस 5 साल में किया माननीय वसुंधरा जी और पूरे मंत्रिमंडल विभागों ने, लगभग 1,000 करोड़ का, 1,500 करोड़ का, कहीं ज़्यादा कहीं कम, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ। तो विकास, और विकास तो है भौतिक सुख और असली आध्यात्मिक सुख है, तो विकास और भाव और भावना और जज्बात, इसको लेकर के हो रहे चुनाव। और आज ही एक समाचार पत्र में कि राहुल गांधी जी अगर नेहरू परिवार से, और नेहरू गांधी परिवार से नहीं होते तो जिलाध्यक्ष से लायक भी नहीं थे, शायद इकाई और मंडल अध्यक्ष भी नहीं होते, तो उनकी तो अपर स्टोरी ब्लैंक है। श्री राहुल गांधी की अपर स्टोरी ब्लैंक है, वो क्या बोलते हैं, कहाँ क्या बोलते हैं और कहाँ क्या बोलते हैं। राफेल को लेकर उन्होंने कहा था अब राफेल को नहीं बोलना है, तो उनको लगा कि इसको बोलने से एक घटिया स्तर पर, निम्न स्तर पर
कांग्रेस की लीडरशिप बोली, आज भी कहा है कि मोदी जी पांच दाल खाते हैं, वो स्पेशल दाल खाते हैं, उनके पिताजी कौन है, उनकी जात कौन है। राजनीति में ये कभी नहीं हुआ, न जाति पूछी गई, न खाना पीना पूछा गया, कहा गया, और न कभी उनके पिताजी और माता जी को उठाया गया। यह जो चल रहा है ये जो बहुत हल्का स्तर, राजनीति का बहुत हल्का स्तर है, मैं बोलता हूँ तो तथ्यात्मक बोलता हूँ, और बाकी हमारे नेता प्रदेश के अंदर तो और भी होते हैं। मेरे बारे में एक बात है कि ज्ञान दिया हो जाए विवादों में, आप लोग पत्रकार इस बात को ज्ञान दिया हो जाए, फिर विवादों में ज्ञान दिया हो जाए, विवादास्पद बोल, कड़े बोल। मैं सच कहता हूँ उसको, पत्रकार सच को विवादास्पद बनाते हैं, वो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर भी मीडिया आपका विशेष आभारी हूँ मैं, धन्यवाद देता हूँ। अभी जो बजरंगबली के बारे में आया है, मेरे इष्ट देव बजरंगबली हैं और मेरी कुल देवी हिंगलाज माता है। वेदों में जिनका नाम आता है हिंगलाज माता का, वो मेरे कुल देवी हैं जो पाकिस्तान के और अफगान के बॉर्डर पर क्वेटा पेशावर में है, और मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं। अब जो आया है वो एक हंसी मजाक में कोई बात हो रही थी, उसको कुछ लोग मित्र हमारे, जैसे पहले एक बार लोकसभा को चुनाव को लेकर के एक मित्र ने किया, वैसे ही हुआ। बाकी मैं बजरंगबली के प्रति, वीर हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति पूरी श्रद्धा रखता हूँ, मेरे इष्ट देव हैं। इसलिए इस संबंध में और कोई बात मैं कहना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये मेरा दावे के साथ मैं कर रहा हूँ। दावा तो होता है, कई बार दाएँ बाएँ, लेकिन विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ।